वालेकुम, मैं हूँ सादब जंजुआ और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सादब जंजुआ में तहे दिल से खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करी बहुत ही मजेदार आलू के कबाब की रेसिपी। तो चलें चलते हैं अपने आलू के कबाब की रेसिपी की तरह। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार आलू के कबाब की रेसिपी, जिसको आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं टी स्नैक के तौर पर। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मसालों में हमें क्या 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 चाहिए मैं आपको बताती हूँ। अनारदाना, जीरा सफ़ेद साबुत, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर ना हो तो लहसुन बरी बरी काट के लहसुन पेस्ट भी ले सकते हैं। और ये आधा चम्मच भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, इसको मैंने भून के कूट लिया था, पीस लिया था। इसके अलावा आलू ये मैंने लिए हैं 5 से 6, इनको बॉईल कर लिए, ये उबले हुए आलू हैं, इनको मैश कर लिए। और इसके अलावा ये ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। चले हम अपने आलू के कबाब बनाना शुरू करते हैं। और इसके अलावा इस पर हम कोडिंग करेंगे अंडे और सेवियों की, ठीक है, फिर मैं आपको बारी बारी बताती हूँ। मैंने आलू के कबाब के लिए आपको सारे मसाले बताए थे, जीरा नमक लाल मिर्च पाउडर चाट मसाला और अनारदाना धनिया और ज़ीरा पीसा कुटा भुना हुआ और इसके अलावा लहसुन पाउडर, ये सब हम अपने आलू में बॉयल आलू में शामिल कर देंगे। इन सारे मसालों को बॉयल आलू में शामिल करके अच्छे से हम मिक्स कर देंगे कि ये सब यकजान हो जाएं। तो लास्ट में हम ग्रीन चटनी ऐड करके मज़ीद मिक्स कर लेंगे। आलू के कबाब के लिए हमने बॉयल आलू में मैश किए हुए आलू में सारे मसाले मिक्स कर दिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चटनी, ये हम डालेंगे 2 से 3 चम्मचे, 1, 2, 3 तीन चम्मच हमने ये ग्रीन चटनी डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके फिर हम कबाब बना लेंगे। देखिए आलू के कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं, बस अब हम लास्ट में क्या करेंगे इस पे अंडा फेंट के और सेवियों के कोटिंग करके इसको फ्राई कर लेंगे। आलू के कबाब फ्राई करने के लिए हमने जो है ना ऑयल गरम करने रख दी है। कबाब बनाने के लिए सारी तैयारी हमारी हो गई, हमने आलू के ये टिक्कियाँ बना के रखी हैं कबाब की। अब क्या करेंगे, एक लेंगे अंडा ये फेंट के रखा हुआ है, इसमें डिप करेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम ये जो सेवियाँ होती हैं पकाने वाली कच्ची सेवियाँ, इनको बारीक बारीक ये तोड़ के रखा हुआ है, इसमें डिप करेंगे और फिर इसको हम रखते जाएंगे ऐसे डिप करके अंडे में और सेवियों में, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अंडे और सेवियों में डिप करके हमने कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दिए हैं, जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तब तो इनको निकाल देंगे। देखिए हमारे तैयार हो गए हैं बहुत ही मज़ेदार आलू के कबाब, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, इसको आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं। की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की बहुत ही मजेदार आलू के कबाब की रेसिपी। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई। अगर आपको मेरे आलू के कबाब की रेसिपी की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसे बने हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आए। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। अपना अपना प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखना, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।